फरवरी 2022 से शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध अब यूरोप के बॉर्डर पार पहुंच चुका है। वहां से भी यूक्रेन के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। दरअसल पश्चिमी अफ्रीकी देश माली ने यूक्रेन के साथ अपने राजनयिक संबंधों को तोड़ दिया है। इसके पीछे माली ने यूक्रेन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। यूक्रेन पर भड़के माली ने दावा किया है कि रूस के वैगनर ग्रुप के दर्जनों सैनिकों के साथ साथ मालियन सैनिक मारे जाने के पीछे यूक्रेन का हाथ है। माली का दावा है कि इसका कबूलनामा खुद यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी के प्रवक्ता ने किया है। आपको बता दें कि बीते 29 जुलाई 2024 को यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी के प्रवक्ता एंड्री यूसोव ने बताया था कि मालियन विद्रोहियों को सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त हो गई थी, जिससे रूसी युद्ध अपराधियों के खिलाफ उनके अभियान को अंजाम देना संभव हो गया था। अफ्रीकी महाद्वीप में पश्चिमी सहारा के पूर्व में स्थित माली में सरकार के खिलाफ कई विद्रोही गुट हमलावर हैं। बीते दिनों उत्तरी त्वारेग विद्रोहियों ने बताया था कि 3 दिनों की लड़ाई में कम से कम 84 वैगनर ग्रुप के सैनिकों और 47 माली सैनिकों को मार डाला। ऐसा दावा है कि ये बीते 2 साल पहले संघर्ष में कदम रखने के बाद से वैगनर की सबसे बड़ी हार है। इस पूरे घटनाक्रम पर बौखलाई माली सरकार ने कहा कि उसे यूक्रेनी अधिकारी की टिप्पणियों से बड़ा झटका लगा है। एंड्री यूसोव ने सशस्त्र आतंकवादी समूहों की ओर से किए गए कायरतापूर्ण विश्वासघाती और बर्बर हमले में यूक्रेन की मौजूदगी को स्वीकारा है। इसके चलते मालियन रक्षा और सुरक्षा बलों के सदस्यों की मौत हो गई। यूक्रेन की कार्रवाइयों ने मालियन संप्रभुता का उल्लंघन किया है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के लिए अस्वीकार्य विदेशी हस्तक्षेप और समर्थन का गठन किया है। माली ने कीव के साथ राजनयिक संबंधों को तोड़ने की खबरों पर यूक्रेन ने उत्तरी माली की लड़ाई में किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार किया है। साथ ही राजनयिक संबंधों को तोड़ने के माली के फैसले को अदूरदर्शी और जल्दबाजी करार दिया है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने माली की सरकार की ओर से लिए गए फैसले पर खेद जताया और कहा कि ये घटना के तथ्यों और परिस्थितियों के गहन अध्ययन के बिना किया गया है। यूक्रेन बिना शर्त अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मानदंडों, अन्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पालन करता है। खास बात है कि यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी के प्रवक्ता एंड्री यूसोव ने लड़ाई में कीव की भागीदारी की पुष्टि नहीं की है। पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्र माली की सेना ने साल 2020 के तख्ता पलट में सत्ता पर कब्जा जमाया था। साथ ही माली को अलकायदा और ISIS समूह के चंगुल से अलग करने का ऑपरेशन शुरू किया। इस कड़ी में माली सरकार ने रूस के साथ अपने संबंधों में सुधार किया था। यही वजह है कि रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप साल 2021 के आखिरी से फ्रांसीसी सैनिकों और अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिकों की जगह माली में काम कर रहे हैं। दावा है कि वैगनर ग्रुप के सैनिकों की संख्या करीब 1000 से ज्यादा है।